सिर्फ दीन पर पहरा देने के लिए हमने ये परचम बुलंद कर रखा है, और हमें कोई घबराहट नहीं अल्लाह के फजल से। सिर्फ यही है ना कि पूरी दुनिया खिलाफ है, सिर्फ यही है, तो इसमें क्या होता है। और हम किसी से हिमायत की भीख नहीं मांग रहे, जिसने करनी है अपनी कब्र के लिए करनी है। और मेरे यहाँ बड़े मोहतरम बैठे हैं डॉक्टर आसिफ अली साहब, और ये सारे हमारे जितने भी कारकुनान हैं, क्योंकि वो बात कर लेते हैं मेरे से, यहीं बैठे उन्होंने बात की, जिन्हें बार बार उलमा व मशाइख भी कह रहे थे कि तुम्हारी बात सुनते हैं, उनसे ये कहो कि हैं 100% सच्चे, मसलक यही है हमारा भी, लेकिन हालात ठीक नहीं, और इससे डॉक्टर साहब का नुकसान हो सकता है, और हमें उनकी बड़ी ज़रूरत है कि जो वो काम कर रहे हैं फिर कौन करेगा, नुकसान हो सकता है। मैंने इनसे पूछा क्या नुकसान हो सकता है, कहते हैं शोहरत को नुकसान हो सकता है कि लोगों में आप मुतनाज़ा होंगे, लोग आपके करीब नहीं आएंगे, आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे, तो लोगों में शोहरत को नुकसान पहुँचेगा। तो मैंने कहा मेरे कुरान ने तो ये कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लोग क्या कहेंगे ये मेयार नहीं, अल्लाह के नज़दीक क्या है हम ये मेयार है, तो कोई नुकसान नहीं। उन्होंने इससे अगला स्टेप लिया कि लोग बड़े आपके बारे में फिक्रमंद हैं, वो कहते हैं जानी नुकसान हो जाएगा, जान चली जाएगी, क्योंकि वो मुकाबिल ऐसे हैं वैसे हैं ये है वो है। तो मैंने वहाँ भी कहा और अब भी आपको कह रहा हूँ, और ये कभी शायद मेरा कहा हुआ तुम्हें सुनने में बड़ा लुत्फ आएगा कि अगर मेरे रब को ये मंजूर है कि मेरा कलम मेरा इल्म मेरी जुबान उससे मिल्लत को दीन को अहले सुन्नत को फ़ायदा पहुँचे कई सालों तक अल्लाह के हुक्म से, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मुझे पसंद है। लेकिन अगर मेरे अल्लाह को ये मंजूर है कि मेरे खून से इस मिल्लत को फ़ायदा पहुँचे, मेरे खून से हक बातिल का फ़र्क वाज़े हो जाए, मेरे खून से अकायदे अहले सुन्नत उजागर हो जाएं, मेरी शहादत से अहले सुन्नत और राफिजियत का फ़र्क वाज़े हो जाए, तो मैं इस पर भी अल्लाह के फ़ैसले पर अगर उसके नज़दीक ये है तो मैं 100% मुतमइन भी हूँ, तैयार भी हूँ। तो अगर अगर अल्लाह ताला को ये पसंद या मंजूर है तो तुमने जब मेरी शहादत बयान करनी है तो ये नहीं कहना कि बड़ी कीमती जान थी नुकसान हो गया। जिस जान ने हक बातिल का फ़र्क कर दिया हो उस जान को नुकसान नहीं हुआ, वो तो कबूल हो गई। क्या सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान ज़ाया हुई? नहीं, ज़ाया नहीं हुई, उसने तो क़यामत तक को हक को बुलंद कर दिया। हम उनके मिशन के सिपाही हैं, अगरचे उनके नालैन के साथ लगने वाली मट्टी से भी करोड़ दर्जा अदना है, मगर अल्लाह के फजल से हुसैनियत हमारे रगों में है, और हमें कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। दोनों में से रब को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। और तुम्हें कभी भी ये बाद में नहीं कहना चाहिए कि नुकसान हो गया नुकसान हो गया। मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे खून अगर हक बातिल में फ़र्क कर जाए क़यामत तक के लिए तो फिर नुकसान नहीं होगा। गाजी का खून जैसे फ़र्क कर गया है नुकसान नहीं होगा। तो आपने मेरे मिशन को ज़िंदा रखना है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दुनिया को बताना है कि हमारे इस भाई ने सिर्फ हक बातिल के फ़र्क के लिए खून दिया था, और हम फिर मिलने नहीं देंगे हक बातिल को, हम फ़र्क वाजे रखेंगे, इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, इसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इसके लिए अपने मुबल्लिग तैयार करेंगे, इसके लिए किताबें लिखेंगे। तो तुमने मेरा मातम नहीं करना और सोग नहीं बनाना, बल्कि तुमने मेरे मिशन को आगे चलाना है, और ये हमेशा हक परस्तों का तरीका रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी दी हुई इस्तकामत से, वरना जिन लोगों के सरों की कीमत लगी हो उनकी तो सांसें उखड़ी हुई होती हैं, और हम सीना तान के बैठे हैं।